जी। दिन जो इस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, काफी बड़ा मजमा जो है लोगों का यहाँ मौजूद है, क्या कहेंगे? जी मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये हमने अंधेर में किया बट बहुत अच्छा काम है ये। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अमेरिका और ये इसराइल फलस्तीन के ऊपर बेकसूर बच्चे बेकसूर औरतों को मार रहे हैं, ये क्या है? ये वार नहीं है, ये एक जुल्म है एक तरीके से। मेरा कहना है जब अमेरिका और इसराइल ये जब कर रहे हैं तो बाकी सब जो जेंटलमैन कंट्रीज जो हैं वो क्यों नहीं रोक रही हैं भाई? अभी यही चीज़ फलस्तीन करती तो बोला जाता है टेररिस्ट, और अमेरिका इसराइल कर रहे हैं तो ये क्या बोल टेररिज्म नहीं है? टेररिज्म सब थोड़ा टेररिज्म ये है। यूनाइटेड स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि ये जो जंग हो रहा है हमास ने जो अटैक किया ये सब जो है इसराइल का नतीजा है, इसराइल के लिए ऐसा एक कारण। देखिए एक मिनट, हमास ने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग किया इसराइल ने और उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका का काम ही वही है, उसने सीखा क्या है? सबको सबके जंग कराना, सबके नकोटिक्स पहुँचवाना, सबके गुंडागर्दी करवाना। अमेरिका है क्या? वो सबसे बड़ा गुंडा है। और यूएनओ क्या कर रही है? यूएनओ चुप क्यों है? हमको जवाब पूछना है यूएनओ से, चुप क्यों है वो? अमेरिका की दलाल है क्या? अमेरिका जो उसको कुत्ते से पाल के रखा है क्या? एक बच्चों के ऊपर बम डाला जा रहा है, जो मरी हुई औरतें उनके साथ रेप किए जा रहे हैं, ये जंग है? हॉस्पिटल में बम डाला जा रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए नहीं, ये जंग है? अमेरिका से पूछिए अगर यही चीज़ उसके साथ किया जाए, इसराइल के साथ किया जाए तो कैसा लगेगा? क्या दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं है? एक औरत 5 दिन से मरी हुई, उसके साथ जिना किया गया, ये जंग है? मुझे पूछना है ये अमेरिका से, यूएनए से और जो जेंटलमैन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, इसराइल सब जो साथ दे रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, क्या है ये? ये सिवाय जेनोसाइड है। आप क्या समझ रहे हैं? आप मस्जिद अक्सा के लिए जंग कर रहे हैं? ये मस्जिद अक्सा के लिए जंग नहीं है, ये आपको पूरे मुस्लिम कंट्री चाहिए, उसको जेनोसाइड करके उसको आपको यूएनओ कंट्री बनाना है, अय्याशी का गढ़ बनाना है, अड्डा बनाना है। ये है अमेरिका, ये है इसराइल। दे हैव टारगेट टू ऑक्युपाइड होल ऑफ द मुस्लिम कंट्री, ओके? दे हैव द They have done this. We won't reply. So we will not done. From the other because country. If somebody will going to capture you, you being Palestine have given space to Israel to stay, but they want to capture the whole of Palestine. That is not good, na? That had happened in India. The English people have did the same thing and Israel doing the same thing. That is not good. एक तरफ जहां भारत फिलिस्तीन का साथ जता रहा है, दूसरी तरफ भारत की अभिनेत्री कंगना रावत दिल्ली में जाके इजराइल की जो है उससे जाकर मिलती है, तो आप इस She is a prostitute. She is a damn bloody prostitute. She is a prostitute. She should not be hanged. Entertain. She is anywhere, everywhere. She is a bloody terrorist. She is not a woman. She is a prostitute. Prostitute she's can't a born prostitute. Entertain. That to be. Listen. She is a terrorist. She should be hanged. India. She know how to get you know front. Okay. अरे वो तो गोदी मीडिया की तलवार चाटने वाली है, वो क्या बोलेगी? और मीडिया तो बड़ी डैम गोदी मीडिया, कोई नहीं बोल रहा है। जो आज हमारे फिलिस्तीन के ऊपर अटैक हो रहा, कौन मीडिया बोल रही है? सब तो खाली थी बस इसराइल का तलवार चाट रही है। आपके घर में जब हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में कोई मारा जाएगा तो हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे? उसके घर पे नहीं हो रहा है। सब तो कुत्ते बने हुए हैं अमेरिका के और इसराइल के। कौन है? बोली वो क्यों नहीं बोली? वो सोई हुई थी जिसके साथ हो रहा था, सोई हुई थी जो रेप कर रहा था उसके साथ सोई हुई थी उसके। अगर यही चीज कंगना रावत की बहन के साथ माँ के साथ होता तो देख सकते हैं आप लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पर कहर की तरह बरस रहा है और लोग जो है कितनी ज्यादा गुस्से में है। और तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोगों का गुस्सा जो है कहर बन पड़ा है। और यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं, लोग जो है किसी भी तरह नियंत्रण करके भी ये जो है कार्यक्रम जारी रखना चाहते हैं। और लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने
नारे लगाने शुरू किए हैं। इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, मजलूम बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों को हॉस्पिटलों में ना जाने, आम लोगों को मारा जा रहा है, बहुत खराब बात है भाई। यहाँ हम लोग तो अमन से अमन तरीके पर जा रहे थे और जाकर सिर्फ लेटर देना था कि हम वहाँ भी अमन चाहते हैं, जो जुल्म किया जाए जुल्म को रोक दिया जाए, इतने मर चाहते हो कोई बात थी नहीं, लेकिन यहाँ रोक कर और ना जाने क्या किया जा रहा है। ज्यादा हमारे पूरी खोज जाए हुकूमत तक बात पहुँचे कि भाई हम अमन तरीके पर, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, फिलिस्तीन के लिए अपने लेटर देकर अपने गम का इजहार कर सकते हैं। लिहाजा हमारी पूरी ख्वाहिश है कि ये काम को होने दिया जाए और हम जहाँ जाना चाहते हैं अमेरिकन एम्बेसी तक, वहाँ तक जाने दिया जाए और लेटर देने दिया जाए। तो अमेरिकन एम्बेसी पे नहीं जाने दिया जा रहा, क्या लगता है इसका रीज़न क्या हो? भाई तो हम लोग बता नहीं सकते, हमारे जो लोग आगे हैं वो बताएंगे कि आगे रीज़न क्या है, क्यों नहीं देने जाने दिया जाए। आप लोग कितने दूर से आए हुए हैं? हम लोग सब कलकत्ते ही, ज़्यादा दूर से नहीं है, सारे कलकत्ते का तरफ। रैली है कहाँ से स्टार्ट? ये रैली जो है हमारे पाक सर्कस लेडी बर्मन कॉलेज से शुरू होकर के ये अमेरिकन एम्बेसी तक जा रही थी ये रैली, और बहुत पुशपुल तरीके से जा रही थी। अब पता नहीं कि आगे क्या बात हुई नहीं हुई, बैरिकेड लगा करके इसको रोक दिया गया। ये तो ठीक नहीं है ना, इसलिए कि हम लोग का एक जो है स्लोगान है, एक जुलूस है, ये अमन के लिए है, ठीक है। जैसे फलस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है इसराइल का, ये बहुत ख़राब है, सारी दुनिया देख रही है इस चीज़ को, ठीक है, सारे देश देख रहे हैं इसको। इसलिए हम लोग इस चीज़ को वहाँ जा कर के ये बात को डालना चाह रहे थे कि सारे देश मिल करके इसराइल को समझाए कि ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं और हॉस्पिटलों में बम मारा जा रहा है, ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अगर अमन की बात होती तो बैठ करके किया जाए ना, अमन की बात अगर के, ठीक है। ये इस तरह से मदद का कार्य किया जा रहा था, जिस तरह से मदद का कार्य किया जा रहा था, 100 ट्रकें जा रही थी लेकिन अब सिर्फ मात्र 20 ट्रकें पहुंच पाई है, तो उसमें क्या? तो यही चीज को तो बोला जा रहा है, यही चीज को तो दिया जा रहा था कि कम से कम मदद का सामान को तो पहुंचने दिया जाए। मदद का सामान बहुत ऐसे सामान है जिसके लिए बच्चे भूखे मर रहे हैं, गंदे पानी वहाँ पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहूलियात जो थी उसको पहुंचाया नहीं जा रहा है, उसे तो पहुंचाना ज़रूरी है। ये तो इंसानियत की बात है, इस चीज़ को जो है गाज़ा के बॉर्डर पर इस चीज़ को रोक दिया गया है। इसीलिए इस बात को यहाँ पर तमाम उलमा ये जमा होकर के अमेरिकन एम्बेसी इसलिए जा रहे थे कि वहाँ जा कर के एक लेटर डाला जाए, तमाम मुल्क इसको बैठ करके सुलझा करके ये जो इमदाद है इसको गाज़ा तक पहुँचाए। यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि ये जो जंग हो रहा है इसराइल और हमास में, तो ये इसराइल का नतीजा है जो हमास ने उन पर अटैक किया और इस तरह से जो है चल रहा है जंग। ये तो देखिए बात है ये कि इसराइल को जो है जगह जो है फलस्तीनी ने दिया था, आप तवारीख उठा करके देखिए, ठीक है, हिटलर जिस टाइम उन लोगों को मार रहा था तो इसराइल को जो जगह जो है फलस्तीन दिया, 75 सालों से ये चीज़ चल रहा है, तो अब उस पर जो है वे दखल दे रहे हैं और उसको जो है जगह को जो है कैप्चर किया जा रहा है, ये तो जुल्म है। आपको जितनी जगह दी जाएगी उतनी ही पर रहिए ना आप, ठीक है, आपको तो हटाया नहीं जा रहा था, लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं, आप जो है उस पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं। अगर मेरे घर पर कोई कब्जा करे और हुकूमत करे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने घर को वापस लेना चाहेंगे, तो यही चीज़ है, स्टेप लिया जा रहा है ना। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये देख सकते हैं आप बैनर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बॉयकट किया जा रहा है इजरायली प्रोडक्ट्स को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेव लाइव स्टॉक टूरिज्म और बॉयकट इजराइल की है। उसके अलावा आप नीचे भी देख सकते हैं जो है इजराइल का झंडा जो है नीचे लगाया गया है और उसके ऊपर लोग जो है चल कर जा रहे हैं, उसे रौंद रहे हैं पाँव से। हम देख सकते हैं कि सामने से बैरिकेड को हटा दिया गया है और जो लोगों का ये जो रैली, ये जो भीड़ है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें
दिख रहा है और आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो है लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं और ये रैली जो है जारी है। इस रैली को जारी रखा गया है, किसी तरह इसको नियंत्रण करने के बाद रैली को जो है जारी रखा गया है। देखिए आप देख सकते हैं भीड़, देख सकते हैं आप कितने लोग जो है यहाँ मौजूद है। सबके हाथों में फिलिस्तीन का झंडा है और सब बोल रहे हैं, सब भारत के जो लोग हैं सब फिलिस्तीन के साथ है, ऐसा नारा लगाए जा रहे कंटिन्यूसली, जो है नारा जो है रुक नहीं रहा है। और आप भीड़ भी देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद है। बैठने जगह मिल रहा तो चलना।